मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और अब चूंकि तुमने मदद कर ही ली है तो ये बात समझ लो, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई ना तो ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म ना इससे भी बुरी होगी, हॉरर मिस्ट्री एडवेंचर तीनों का मलगूबा होगी। चलो पियो, तुम्हारा पियो, चाय तो तुम्हें खत्म करनी हो प्लीज। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसलिए क्योंकि मुझे सख्त बुरे लगते हैं वो लोग जो मेरी मर्जी के बगैर बिना वजह मेरे करीब आते हैं, जैसे कि तुम। मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बाबलपुर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, ना कि ये सब चीजें करने के लिए। तो फिर अपने काम से काम रखो तुम। तुम क्यों मेरे साथ इतना बुरा कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम नहीं जानती इन लड़कों को। मुझे भी पता है, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, रोज हजारों लोगों का सामना करती हूँ मैं, और वैसे भी मेरे अब्बू हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और मुझे पता है तुम किस चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हो। जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा तो फिर मेरा इतना बुरा सलूक करने के बाद भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? बोलो बोलो बोलो। हो गई ना सिट्टी गुम। इतनी फजूल लड़की है ना वो, जिसकी कोई हद नहीं। लगाओ अल्लाह करे उसकी शादी ना उस मुनीब के बच्चे से। मेरे से होगी उसकी शादी, जो भी चाहती है कर दूंगा उसके लिए। मगर आज के बाद तो ये साबित हो गया ना कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी किसी अच्छी सी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। मुझे सिर्फ मायरा चाहिए, दुनिया में सिर्फ एक ही मायरा है बस, मुझे वही चाहिए। मैं उसे इतना प्यार दूंगा उसको, मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा। मुझे मिलवाओ उससे। पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लो, मिल लेना। नहीं उसे कल तुम अपने साथ कॉलेज से घर ले आओ। मुनीब। जी मामी। मुझे पता था। इधर। क्या ये सब? जी मामी वो पहले पानी गिलाकर गद्दा खराब कर दिया, अब चादर का सत्यानाश कर दिया तुमने। जी मामी वो अभी तो जी कह रहे हो ना, अभी जाकर अपने मामू और अम्मी से कहोगे कि मामी गुस्सा कर रही थी। मामी मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने तो सिखाया था, शायद मैं ही कमजोर था जो सीख नहीं पाया। बिस्तर सही रखना आए ना आए, बातें अच्छी बना लेते हो तुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। ओ मिल गया तुम्हें? जी जी मिल गया मम्मी, और बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी मम्मी। मुझे पता था मेरा बच्चा, इसीलिए तुम्हें पहले से अपने आने का नहीं बताया, सीधा एसएमएस भेजा मैंने। एसएमएस? कौन सा एसएमएस? मैंने तो नहीं देखा। पर यही तो मिलने की बात कर रही थी, तो तुम क्या समझे? एक सेकंड, आप आ रही हैं? भाई मेरा तो अपने बच्चे के बगैर दिल नहीं लग रहा, बस मैं तो आ रही। आपने एसएमएस भेजा और उसके अलावा कुछ नहीं? मां सदके जाए, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? एक नए पैंट शर्ट की जरूरत थी अम्मी मुझे। तो मेरा बच्चा वही से खरीद लो ना, वो मामू ले जाएंगे तुम्हें, मैं कह देती हूँ उनको। नहीं 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 अम्मी, आप प्लीज मामू को मत बोलिएगा, मैं खुद चला जाऊंगा। मेरा बच्चा कहाँ मारे मारे फिरोगे, मैं भाईजान से कह देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं कर लूंगा। और आप ये बताएं कि आपने आने का प्लान कैसे बना लिया और मुझे बताया भी नहीं, हमारी रोज तो बात होती है। अच्छा भाई, अब अपनी माँ से काम निकल गया है ना, तो माँ का आना भी बुरा लग रहा है तुम्हें। मम्मी प्लीज ऐसे तो मत बोले ना भाई, अब अपनी मामी के पास रहते हो तो उसी की जबान बोलोगे ना, हैं? प्लीज सॉरी थैंक यू, यही मिला मिला के बातें सुनाओगे मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सब देख रही हूँ, नहीं आती मैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुश रहो बस, खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी हाय, दिन में बहन साहिबा का फोन आया था।
तुमने मेरा फोन चेक किया था? हमेशा ऑफिस टाइम में ही क्यों बात होती है, घर पर भी तो हो सकती है बात। बाबा शाम को वसीम आ जाता होगा, उसे वक्त नहीं मिलता होगा। अच्छा तो आप बहन भाई को अकेले में बात करनी होती है। वैसे क्या बात हुई? जब कोई खास बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आधा घंटा बात हुई है आपकी मुझसे? तो ऑफिस में हूँ, बिल्कुल बात नहीं करते, दो मिनट बात नहीं होती कि बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, घर आऊँगा तो बात करूँगा। वो फिर आना चाहती है क्या? हरगिज़ नहीं, आप मना कर दे उसे। अरे वो मुझे चेक करना चाहती है कि कहीं मैं उसके बेटे को कच्चा ना चबा जाऊं। बाबा मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे नहीं सुननी आपकी बात। सारी जिंदगी ससुरालियों की खिदमत करते गुजरी, कराची आने के बाद भी सुख का सांस आज तक नसीब नहीं हुआ। पहले जेवर ले लिया, अब अपने बेटे को यहाँ भेज। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे आपकी बात नहीं आएगी वो यहाँ। सलीम भाई से क्या कह रहे थे हमारे जाने के बाद? उन्हें बोल रहा था कि किसी को बताए ना। अच्छा किया। सुनो वो लड़का मायरा को पसंद तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, मायरा ना किसी को पसंद नहीं कर सकती, ये वो टाइप ही नहीं है। वैसे अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह माफ करे, बिल्कुल भी नहीं। उसे कहीं पता भी चल गया ना तो मेरा सामान उठवा के बाहर रोड पे फेंकवा देगी वो। बेहतर है? हाँ पहले से तो काफी बेहतर है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन प्लीज ये बात मायरा से ना कहना वरना मेरी शामत आ जाएगी। ओके थैंक यू। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे कजन ने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, उसे को मेरे भाई से जाकर माफी मांगे। तुम्हारा दिमाग सेट है? मेरा कजन तुम्हारे इस अबनॉक्शियस भाई से माफी मांगेगा? और शुक्र करो मुनीब ने मेरा बदला ले लिया, वरना मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा देती। वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती यार, आई डोंट लाइक हिम। बट ही रियली केयर्स अबाउट यू। तुमने बदले में क्या किया? उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया? इतनी सी मार पे हॉस्पिटल पहुंच गया, ना कोई शेर बनता था वो। मेरे भाई का दिल शेर जैसा है, समझी? तुमसे सिर्फ दो मिनट बात करना चाह रहे थे, तुमने बदले में क्या किया, पिटवा दिया उसे? ओ हेलो, मैंने नहीं बुलाया था मुनीब को, वो खुद आया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस अपने कजन से को जाकर मेरे भाई से माफी मांगे। मैं तो हरगिज़ ये बात नहीं बोल रही। मेरे भाई की हालत इतनी खराब है, वो बेड पर आ गया है तुम्हारी वजह से, उसका लिवर बर्स्ट होने वाला था, और तुम कह रही हो तुम माफी नहीं मांगोगी? यार आई यू शो के लिवर बर्स्ट होने वाला है? इतनी सी मार से लिवर कहाँ से आ गया बीच में? मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे भाई की हालत वाकई बहुत खराब रही है, इतनी चोट लगी है, तुम्हारे कजन ने इतने बुरी तरह से मारा मेरे भाई को, सारी रात इतनी परेशान रही हूँ मैं। नायला मेरी बात सुनो, मेरी खुद मुनीब से बात नहीं होती, मैं उसको नहीं कह सकती कि माफी मांगे। तो तुम अपने कजन के बिहाफ पे जाकर भाई से खुद माफी मांगो ना। नो वे। व्हाट डू यू मीन बाय नो वे? नो वे मतलब कि इस दफा मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाली। ओ हेलो, तुम मेरे कोई चक्करों में नहीं आई थी, समझी? अपनी मर्जी से आकर गाड़ी में बैठी थी, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और उस दिन नाश्ते पे तुम्हें इसलिए लेके गए थे कि तुम्हें भूख लगी हुई थी। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, मेरा भाई इतना ख्याल करता है, तुम कितनी प्राउड हो, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। ऐसी बात नहीं है नायला, मैं सिर्फ उसको इनकरेज नहीं करना चाहती। तो मैं कब कह रही हूँ उसको इनकरेज करो? उस दिन अगर तुम जाकर उसकी बात मान लेती, घर बैठकर आराम से वो तुमसे बात कर लेता, बात खत्म हो जाती, ये कजन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता। भाई ठीक कहता है, तुम डरती हो। ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरती। नहीं डरती तो चलो, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, हम छुट्टी से पहले वापस भी आ जाएंगे।
एक काम करो, तुम जाओ, मैं बुक्स रख के आती हूँ। ऐसे ही चले जाओ? हाँ, गो स्ट्रेट, दैट डोर, दैट वन ऑन द लेफ्ट साइड, या दैट इज रूम। ओके, तुम आ रही हो ना? या इतनी चोटें? लड़ाई से तो नहीं लग रहा था कि तुम्हें इतनी लगी है। लगता है वो मुझे मारने की पूरी तैयारी करके आया था। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी गाड़ी में जाना है तो उसको क्या पता हुआ होगा। अरे देखो मेरी क्या हालत कर दी है, तुम बातें कर रही हो। एक्चुअली वो नायला को बुरा लग रहा था, वो चाह रही थी कि मैं तुम्हें आके देख लूं, इंसिस्ट कर रही थी, तो उसके लिए मैं आ गई। अब मैं चलती हूँ। रुको रुको रुको, देखो ये मेरा बैंडेज। नहीं, तुम्हारा बैंडेज बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है ब्लीडिंग हो रही है। मैं नायला को बुला दूँ? इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मुझे डॉक्टर ने बताया था। देखो आई कैन सी इट, चेक करो ना प्लीज, चेक करो। नायला, ये अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो शहीर, हो सकती हो तुम मेरी दोस्त हो? सीरियसली? मजाक कर रहा था। वाओ, और ये मजाक नहीं है ना, तुम मेरे यार हो, समझ आई? रुक गए। हाय, आ जाओ। आ जाओ। बिजी थे? हाँ बस पढ़ रहा था, तुम बताओ। वो एक्चुअली ये प्लीज चेक कर दो, सही आंसर नहीं आ रहा। ला दो, मैं देख लेता। देखो यहाँ गड़बड़ किया तुमने। हाँ? इस टर्म से मल्टीप्लाई करने से पहले इससे माइनस करना था। अच्छा, तो ये गड़बड़ है। जब ये करोगी तो ये देखो, आ गया ना आंसर? I think आ गया। ये लो। थैंक यू। यू वेलकम। किधर थी तुम यार, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें? कहीं नहीं, यहीं थी। मैं तुमसे बात करनी थी। अच्छा, स्माइल क्यों कर रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलो। पता नहीं किधर है तुम्हारा माइंड, बाद में बताऊंगी, जाओ। तुमने मम्मी को तो नहीं बताया ना अभी तक? नहीं, क्यों? प्लीज मत बताना। मायरा, बताना तो पड़ेगा। तो चलो वो वॉशरूम से निकलता होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
किस तरह मनाऊं मैं उसे? दफा करो उसे भाई, पूरी दुनिया में वो एक ही लड़की नहीं है। मुझे पता है लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई प्लीज कंट्रोल रखो खुद पे। यार मुझे अपने आप पे कंट्रोल है लेकिन मुझे याद आना ही नहीं छोड़ती। क्यों क्यों नहीं मानती वो मेरी बात? क्या बुराई है मेरे? इतना बुरा हूं मैं? नहीं भाई वो पागल है। गलती मेरी थी ना, मैंने उसे धोखा दिया था। उसको लगा तुम भी मिलेगी हो। शायद मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए था। नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। यार मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती भी खराब हो जाए। छोड़े भाई तो हो गई। कैसे छोड़ू मैं? मुझे बताओ नैला कैसे किसी को याद करना छोड़ते हैं? क्यों इस तरह मुझे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई बहुत ही गिरी हुई चीज हूं? अगर मैं उसे बता दूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं तो मान जाएगी ना? ना फिर वो मुझे ठीक ट्रीट करेगी? हमारा कोई नहीं है नायला। मैं अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। तुम देखना वो आ जाए, आ जाएगी फिर सब बदल जाएगा और फिर हमें आइंदा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्बू को मीडियम आता है, ये स्मॉल है। पता है। किसके लिए देख रही हो? ये पैक कर दे। मैं सॉक्स और बेल्ट भी ले लूं। पर ले किसके लिए रही हो? वो मुनीब के लिए। मुनीब के लिए? वाह, मतलब मेरे ऊपर इतनी सख्ती है और तुम उसके लिए शॉपिंग ही करती फिरो? नहीं वो दरअसल पप्पो ने कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि मुनीब से जिक्र ना करूं, इसलिए। क्यों, जिक्र करने में क्या हर्ज है? ओफो तुम इतनी शकी क्यों हो? पप्पू ने कहा तो मुझे लेना पड़ा। मैं शकी नहीं हूँ, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम नहीं बताओगी मुनीब को कि पप्पू ने बोला है तो वो समझेगा कि तुम दे रही हो ना। अच्छा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा तो मैंने ले ली। अगर तुम्हें कोई इतना बुरा लगता है ना जितना वो मुझे लगता है तो मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं बोलूंगी। फोन करो उसे। मैंने फोन किया था, उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। तो सायरा को करो, उसका नंबर है तुम्हारे पास। What? मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। अच्छा ना मायरा, सॉरी मैं नहीं दूंगी मुनीब को शर्ट। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस ये कह रही थी कि मैं ना देती अगर होती तो। मैं आती हूँ। हेलो 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 सारा, आप कहाँ पर हैं? आपकी आवाज़ बहुत कटखट के आ रही है। वो मैं मॉल में हूँ। अब हेलो हेलो, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। सायरा उसके साथ होगी। और अगर वो अकेली हुई तो? और अगर उसके साथ 10 और लोग हुए तो? यार मुझे नहीं पता उसके साथ कौन होगा, मैंने सिर्फ उसे मिलना है और वैलेंटाइन डे विश करना है बस। ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना भाई, शी हेट्स इट, उसे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, फॉर गॉड सेक। पूरा मॉल देख चुकी हूँ, वो यहाँ पर नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उसके घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। घर तो जाएगी ना? वो भी कर लेंगे, पहले इधर देख तो लो अच्छी तरह, इधर ही कहीं होगी मैं बता रहा हूँ।
मायरा बात सुनो। मायरा रुको रुको मायरा रुको 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 I need to apologize. I'm sorry for the other day. बड़ा अच्छा स्टाइल है सॉरी कहने का। तू किस स्टाइल में कहूँ तुम बता दो मैं उस स्टाइल में कह देता हूँ। देखो तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अगर तुम चाहते हो ना कि यहाँ पे कोई तमाशा ना बने तो ऐसे दफा हो जाओ। नहीं नहीं मेरी बात सुनो तुम मुझे पहले बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह सॉरी कहूँ कि तुम मान जाओ मेरी बात। कैसा सवाल है मुझे क्या पता तुम किस तरह सॉरी कहो जो हुआ भूल जाओ जाओ यहाँ से। ठीक है मैं भूल जाता हूँ तुम भी भूल जाओ हम कोई एक नया फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ कोई स्टार्ट नहीं लेना समझ आई अगर मुझे पता होता तुम इतने वियर्ड इंसान हो तो मैं तुम्हारी गाड़ी में ना बैठती उस दिन। मतलब है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद। यार मैं तुम्हें जितना मिलता हूँ मुझे इतनी अच्छी लगती हो तुम। आपको वाकई फिदा हो जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। देखा कितनी क्यूट सी बात है तुम्हारे यार मैं किस तरह तुम्हारे पे फिदा ना हूँ वैसे। अगर मैं यहाँ पे एक चीख मार दूँगा तुम्हारी हड्डी पस के एक हो जाएगी और अगर मैंने यहाँ सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तुम्हारा यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा वैसे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम मुझे भागना छोड़ दो कोई फायदा नहीं। जितना भी भागोगी मैं तुम्हारे पीछे भागता रहूँगा तुम सिर्फ मेरी हो ये एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मायरा एक दिन आएगा ऐसा। क्या कहा उसने? यार अभी नहीं घर चल के आके समझ सके वो अपने आप को। आज वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया कल को कॉलेज भी आ जाएगा। मायरा अम्मी अबू को ना बताना ही होगा। तो क्या करेंगे वो मेरा ही कॉलेज बंद करवा देंगे उल्टा। वो तो बाद में होगा पहले ना पहले तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके चक्कर में नहीं हो। तुम नहीं हो ना? क्या मतलब है सायरा ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। तो फिर वो यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे क्या पता मैंने थोड़ी बताया उसको यहाँ का। अम्मी यकीन नहीं करेंगी। हाँ वो तो वैसे ही मुझे झूठा समझती ना इसमें कोई नई बात तो है नहीं। या अल्लाह मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम तो नहीं लेकिन मैं ज़रूर बता दूंगी अम्मी अबू को। चलो मॉम। ओ नायला आ गई तुम इतनी देर से मैं तुम्हें बुला रही थी बेटा। देखो मेरा रेड बैग अंदर से लेकर आओ अलमारी में पड़ा है। मॉम मुझे आपसे भाई के बारे में बात करनी है। अच्छा देखो ये जूते कैसे लग रहे हैं इसके साथ। तो आप उस पार्टी पे जा रहे हैं? नहीं बस इनविटेशन मिल गई तो मैंने कहा हूँ आऊ। लेकिन मॉम मुझे आपसे बात करनी है। एक्चुअली मुझे देर हो रही है 5 मिनट में निकलना है बाद में बात करें। और आप वापस कब आएंगी? आज तो मुझे देर ही हो जाएगी लगता है कल बात करें ठीक है ना। अच्छा एक मिनट मैं अपना बैग चेक करूं। तुमने अम्मी को तो नहीं बताया ना अभी तक? नहीं क्यों? प्लीज मत बताना। मायरा बताना तो पड़ेगा। तो चलो वो वॉशरूम से निकलता होगा। लेकिन तुम उसके हाथ में क्यों नहीं दे रही हो? पुप्पो ने तो पैसे भेजे हैं। पैसे यार वो खुद बता देंगी। चलो फेसबुक खोल के क्यों बैठे हुए हो? यार मुझे तो पता ही नहीं था वो तुम्हारी फेसबुक पे है। ये देखो उसकी पिक्चर्स कितनी अच्छी लग रही है यार देखो। देखी है मैंने। बहुत बुरी बात है भाई। यार एक मिनट
बहुत बुरी बात है। एक मिनट यार, मैं अपने लिए सेव कर रहा हूँ, किसी को नहीं दिखाऊंगा। बहुत गलत बात भाई। इजी हो जाए। नॉट फेयर। अच्छा नहीं, 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 क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, आई नो दैट। हाँ ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। माहिरा बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम जल्दी में तो नहीं हो? खैर जल्दी में तुम हमेशा ही होती हो। क्या बात है? बहुत दिन हो गए तुमने मुझे अपने कॉलेज का कोई किस्सा नहीं सुनाया, कोई बात नहीं सुनाई। नाराज़ हो अपनी बाप से? अब वो इतनी असाइनमेंट्स मिलती है ना, तो बस उनमें बिजी रहती हूँ। नहीं, वो मैंने तुम्हें उस दिन डांटा था ना, तो इस वजह से तुम मुझसे बात नहीं करते। अबू आप मुझ पे भरोसा ही नहीं करते, तो मैं आपसे क्या बात करूं? बैठो बैठो। देखो बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है तो मैंने मुनीब को यहाँ रखा हुआ है ना। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो, तुम्हारे बारे में कोई बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम मेरी कमजोरी भी हो और ताकत भी। तुम जहां चाहो पढ़ो, जिस यूनिवर्सिटी में चाहो दाखला लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें पूरी आजादी है। लेकिन शादियां तुम दोनों को हमारी मर्जी से करनी पड़ेगी। पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है सही है। क्या हुआ? और ये कि तुम कामली सुनोगे मेरी बात। जी ठीक है। पक्का? प्रॉमिस? या श्योर। वो मॉम ना किसी अकबर नामी आदमी के साथ आज बाहर डिनर पे गई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि जुनैद ने अपनी बेटियों को आजादी देकर गलती की थी। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा, इसमें से ऐसे गुजरना पड़ता है जैसे कांटों से गुजरते हैं, एहतियात करनी पड़ती है। जरा सी गलती हो जाए तो कसूर कांटों का नहीं होता, चोट भी लगती है और निशान भी पड़ता है। मेरी बातों से परेशान ना हुआ कर बेटा, मैं जो कहता हूं उसमें तुम्हारा ही फायदा है, किसी और का नहीं। सही करता हूँ, मैं तुम देखो तो भाई प्लीज। और तो मैं पता करता हूँ कि कौन सा बदमाश है और उसको भी ठीक कर लूँगा। ऐसा नहीं बोल सकती, तमाशा कर दी। ये तमाशा तुमने बनाया है। तुम बता रहा हूँ मुस्लिम। ये क्या हो रहा है? रुक जाइए, मुझे जरा इनसे बात करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? आज नहीं, नहीं तो। अच्छा लग तो रहा है। वो नए कपड़े पहने ना आज, इसीलिए लग रहा होगा आपको। लग गई तुम्हें भी कराची की हवा। नहीं तो अच्छी बात है ना, अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही कपड़े पहना करूं। शुक्रिया मामू, थैंक यू। एक मिनट, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ? लग रहा है मतलब क्या, तुम ही तो लाई हो। कल जब तुम मेरे कमरे में ये कपड़े रख रही थी ना, देख लिया था मैंने। थैंक यू। गलत लगा तुम्हें।
मैं नहीं ये रख रही थी तुम्हारे कमरे में, और मेरे बारे में ऐसी गलत फहमियां आइंदा अपने दिमाग में मत लाना, ओके? अच्छा ठीक है ना बेटा, वो गलती हो गई उससे बस छोड़ो। इसको छोड़ दे और मुझे पकड़ ले, क्योंकि दुनिया की सारी खराबियां मेरी वजह से तो हैं। बस कर दो भाई, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो तो। तुम लेकर आई थी कपड़े? वो एक्चुअली पुप्पो ने पैसे भेजे थे और कहा था कि ना बताएं, ले दे उसको। नादरा ने भेजे थे पैसे? सारा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था भाई, जब नादरा ने मना किया तो कैसे बताती। सर बेटा नाश्ता कर लो तो जरा मेरे पास आना। क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी बेटी के साथ बात भी नहीं कर सकता? मुझे बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने वो मुनीब की पैंट शर्ट वाली बात करनी है ना, तो आप सायरा से पूछने की बजाय अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते? उसने अपने बेटे से क्यों नहीं कहा कि उसने सायरा से क्यों कहा ये? आप यहां से जाएंगी प्लीज? लेकिन आप जाए प्लीज, और दरवाजा बंद कर लेना। बैठो। देखो बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछनी चाहता हूं। नादरा फूफू ने कहा था मुनीब के लिए कपड़े लाने को, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? सॉरी। झूठ क्यों बोला? अब वो मुनीब के कपड़े अजीब से होते हैं इसलिए। फिर भी बेटा तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मायरा की वजह से बोला था, उसे मुनीब से चेड़े। देखो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो। मैंने मुनीब को यहां रख के बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी हरकत हो जिससे मेरा ये फैसला गलत साबित हो। सही करता हूँ, मैं तुम देखो तो भाई प्लीज। और से मैं पता करता हूँ ये कौन सा बदमाश है और इसको भी ठीक करता हूँ। बदनामी तो मॉम की होगी ना, सारी दुनिया को पता है सिवाय हमारे, मजाक बन रहा है हमारा। भाई अगर डैड को पता चला तो हम क्या करेंगे? रो, डैड से मैं खुद बात कर लूंगा। वैसे भी डैड का क्या है, छोड़ के चले गए हमें, जाना ही था तो पैदा ही क्यों किया हमें। प्लीज प्रॉमिस मी, तुम मुझसे पूछे बगैर या मुझे बताए बगैर कुछ नहीं करो। हम मिलकर जाएंगे मॉम के ऑफिस, तुम अकेले नहीं जाओगे, प्रॉमिस मी। अच्छा खैर, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? क्या, किससे मिलना है तुम्हें? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और मेरी बात सुनो, लाइब्रेरी है, यहाँ तमाशा मत करना। तमाशा नहीं मैं कर रहा, मैं तुम्हारे से बात करनी है। चलो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। यार कैसी फ्रेंड्स हैं आप सब, इसको समझाएं ना कुछ। जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो तुम यहाँ पे? हाँ बहुत बड़ा मसला हो गया मेरा,
मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, किससे मैं बात करूँ, मुझे अपसेट कर लिया ड्रामा। हाँ ड्रामा नहीं कर रहा, तुम पहला से पूछ लो। समझ नहीं आती क्या तुम्हें, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिख के दूं क्या तुम्हें, अब आहिस्ता क्या बोलूं, तमाशा तो कर लिया तुमने। अच्छा नहीं कर रही। तुमने मेरे से पूछा ये तुम्हारा हक था, मैंने मना कर दिया ये मेरा हक था। तुम आहिस्ता नहीं बोल सकती, तमाशा कर रही हो। ये तमाशा तुमने बनाया है। तुम्हें बता रहा हूं मैं मसले। ये क्या हो रहा है? रुक जाइए, मुझे जरा इनसे बात करने दीजिए। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी मिस्टर, क्या कह रहे थे आप? खिदमत में बुराई क्या है? कैसे आदमी हो यार तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? हर जगह पे हर मौके पे अपनी बेइज्जती करवा लेते हो मेरे से तुम। ये तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे जो लोग टशन दिखाते हैं ना उनके ऊपर का चैम्बर अक्सर खाली हो। हाँ ये चेने उतारो, कभी ये बालियां उतारो, ये जो चीजें तुमने पहनी होती कभी उतारो ना, दुनिया देखो तो पता लगेगा तुम्हें। यार तुम एक नंबर के छिछोरे आदमी हो, पता है तुम्हें? तुम्हें तमीज नहीं? नहीं है तमीज मुझे, क्योंकि तुम में तमीज नहीं है। इन फैक्ट यू नो व्हाट, सब है यहाँ तो मैं तुम बताती हूँ बेइज्जती करते कैसे। ये पहनो। पागल हो गई हो? कैसा फील हो रहा है? दिमाग खराब, बुरा लग रहा है ना? है ना, इसी तरह मैं तुम्हारी अंगूठी नहीं पहन सकती, समझ आई तुम्हें? पूरी दुनिया में जिस तरह वो अंगूठी लेके तुम फिरते हो ना मेरे पीछे, इसी तरह मैं फिरूं तुम्हारे पीछे ये चप्पल लेकर? मेरी बात सुनो मिस्टर, मैं तुम्हारी कभी नहीं हूंगी, याद रखना। तुम्हें कहा था ना मेरे से फ्री नहीं होना। Bueno. क्या वो बात हुई उससे? नहीं वो कॉल नहीं अटेंड कर रही। तुम एक काम करो कि तुम उसको फोन करती रहो, कभी तो उठाएगी। मेरी बहन के कॉलेज में पिटवाया, उसके बाद वहां पर मुझे जलील करवाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ मैं सॉल्व कर सकती हूँ। प्लीज।